हेलो स्टूडेंट्स वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज दिस इज दिव्या माहरी स्टूडेंट्स आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स का क्लास सिक्स का चैप्टर थ्री जिसका नेम है मॉरन पावर पॉइंट पावर पॉइंट में और बहुत ज्यादा सीखने वाले हैं आप प्रीवियस क्लास में आपने पावर पॉइंट के बारे में काफी कुछ जाना था लेकिन अब क्लास सिक्स में आप बहुत एडवांस सीखने वाले हैं पावर पॉइंट को आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा इस चैप्टर में वो रहेगा हम जानेंगे क्रिएट अ डिज़ाइन टेम्पलेट को क्रिएट करना एंड स्लाइड स्लाइड ट्रांजिशन ट्रांजिशन और को उस पर किस तरह से अप्लाई करना है वो भी हम सीखने वाले हैं लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स आपको याद दिलाना चाहती हूँ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो एंड साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा क्योंकि उस पर क्लिक करने से आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन यहाँ एवा हमें बता रही है कि यू हैव लर्नड बेसिक ऑफ एमएस पावरपॉइंट 2010 आप माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 के बेसिक्स को ऑलरेडी सीख चुके हैं प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं नाउ यू विल लर्न द यूज ऑफ वेरियस फीचर्स अब आप विभिन्न फीचर्स का यूज सीखेंगे जो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं उनका यूज सीखेंगे आप बल यू टू मेक योर प्रेजेंटेशन मॉर अट्रैक्टिव जो आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत अट्रैक्टिव बनाने में सक्षम होंगे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए यू कैन एड स्मार्ट आर्ट साउंड एनिमेशन एंड वीडियोज टू योर प्रेजेंटेशन आप अपनी वीडियो में स्मार्ट आर्ट साउंड नरेशन एनिमेशन और वीडियोस को ऐड भी कर सकते हैं नॉट ओनली दिस केवल यही नहीं यू कैन इवन चेंज योर प्रेजेंटेशन इनटू अ वीडियो आप अपनी प्रेजेंटेशन को वीडियो में भी चेंज कर सकते हैं अस लर्न अबाउट दिस फीचर्स इन डिटेल चलिए अब इन फीचर्स को डिटेल में सीखते हैं बट बिफोर इट सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं लेट्स लर्न अबाउट में So, firstly, हम जानेंगे इस चैप्टर में एक को को करना, करना, और ये दोनों तो आज ही हम सीखेंगे इस वीडियो में आगे हम सीखेंगे अप्लाइंग एनिमेशन एनिमेशन को अप्लाई करना किसी भी प्रेजेंटेशन में इंसर्टिंग टेबल्स टेबल्स इंसर्ट करना एडिंग एंड मॉडिफाइंग स्मार्ट आर्ट स्मार्ट आर्ट को एड करना और मॉडिफाई करना वर्किंग विध साउंड और मूवीज के साथ वर्क करना एडिंग नरेशन टू अ प्रेजेंटेशन एक प्रेजेंटेशन में नरेशन को ऐड करना भी सीखेंगे रनिंग अ स्लाइड शो और जब ये सब चीज़ें हम अप्लाई कर देंगे तब हम एक स्लाइड शो कैसे चलाते हैं वो भी हम चलाना सीखेंगे कन्वर्टिंग अ प्रेजेंटेशन इन टू अडियो एक प्रेजेंटेशन को वीडियो में कन्वर्ट करना और टिप्स फॉर डिलीवरिंग गुड प्रेजेंटेशन और लास्ट में हम जानेंगे कि एक अच्छी प्रेजेंटेशन डिलीवर करने के लिए हमें कौन कौन सी टिप्स का यूज करना चाहिए मतलब वहां पर हमें हमें टिप्स मिलेंगी कैसे हमें एक अच्छी प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी है सो लेट्स बिगिन देखते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं क्रिएटिंग अ डिजाइन टेम्पलेट एक डिजाइन टेम्पलेट को क्रिएट करना सीख लेते हैं यहां बताया गया है कि टेम्पलेट्स आर द डिफॉल्ट थीम्स एंड टेक्स्ट अरेंजमेंट्स टेम्पलेट्स जो होते हैं वो डिफ़ॉल्ट में थीम और टेक्स्ट की व्यवस्था होती हैं मीन्स टेम्पलेट क्या होते हैं, हैं उनमें डिफॉल्ट थीम होती हैं और उसमें टेक्स्ट की भी अरेंजमेंट होती है साथ के साथ दैट आर ऑलरेडी डिज़ाइन इन पावर पॉइंट जो कि पावर पॉइंट में पहले से ही डिज़ाइन किए जाते हैं यू कैन सिंपली सिलेक्ट टेम्पलेट एट टैक्स वीडियो और ऑडियो इट आप एक टेम्पलेट को सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं उसमें टेक्स्ट या वीडियो ऑडियो कुछ भी ऐड कर सकते हैं एंड योर प्रेजेंटेशन इज रेडी और जब आप ये सब कर लेते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन रेडी हो जाती है तैयार हो जाती है हाउ एवर यू कैन क्रिएट योर ओन टेम्पलेट हालांकि आप अपना खुद का टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं शेयर इट विद योर फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ उस टेम्पलेट को शेयर कर सकते हैं एंड रीयूज इट मोर देन वंस और उसे एक से ज्यादा बार यूज भी कर सकते हैं देखिए कितनी फैसिलिटी है स्टूडेंट्स इसमें कि आप अपना टेम्पलेट बना सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं और उस बनाए हुए टेम्पलेट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और साथ में एक से अधिक बार 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 उसे यूज भी कर सकते हैं पावर पॉइंट टेम्पलेट्स आर सेव्ड विद फाइल एक्सटेंशन डॉट पी ओटी एक्स पावर पॉइंट टेम्पलेट जो होते हैं वो फाइल एक्सटेंशन डॉट पीओटीएक्स के साथ सेव किए जाते हैं मीन्स उनका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो डॉट पी ओटी एक्स होता है यू ऑलरेडी नो हाउ टू वर्क विद द स्लाइड मास्टर आपको पता है कि स्लाइड मास्टर के साथ कैसे काम करना है सो क्रिएट अ डिजाइन यूजिंग स्लाइड मास्टर एंड अप्लाई अ थीम ऑफ योर चॉइस तो आपको क्या करना है आपको स्लाइड मास्टर का यूज करके एक डिजाइन क्रिएट करना है और उस पर अपनी चॉइस से एक थीम भी अप्लाई करनी है टू सेव द क्रिएटिव डिजाइन और जो क्रिएट होगा डिजाइन जो डिजाइन क्रिएट किया जाएगा उसको सेव करने के लिए फॉलो द 3.2 थ्री उसके लिए हमें फिगर थ्री पॉइंट टू में दिए गए स्टेप्स के अनुसार उनको फॉलो करना होगा स्टेप्स को और हमारा जो डिजाइन है वो सेव हो जाएगा तो चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे हमें सेव करना है फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द फाइल टैप फाइल टैप पर क्लिक करना होता है दिस इज फाइल टैप तो हम यहां पर क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन ओपन द डायलॉग बॉक्स और अब क्या करना होगा अब जैसे ही फाइल टैप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हमें सेवेज ऑप्शन को क्लिक करना है देखिए दिस इज सेवेज ऑप्शन तो इस पर क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा इससे डायलॉग बॉक्स जो सेवर्स डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा तो उसे ओपन करने के लिए हमें इस पर क्लिक करना है नाउ क्लिक करने के बाद थर्ड स्टेप हो जाएगा एंटर अ नेम फॉर द फाइल नेम और जैसे ही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा दिस इज द सेव एज डायलॉग बॉक्स तो इसमें हमें फाइल का नेम एंटर करना होगा यहां पर देखिए फाइल नेम के आगे यहां पर फाइल नेम देना होगा एंड फोर्थ स्टेप में क्लिक ऑन द सेव एज टाइप टू ओपन द ड्रॉप डाउन लिस्ट इसके नीचे ही सेव एज टाइप है दिस इज सेव एज टाइप तो यहां पर इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करने के लिए हमें सेव एज टाइप पर क्लिक करना है एंड फिफ्थ स्टेप में क्लिक एंड सेलेक्ट पावर पॉइंट टेम्पलेट और अब इसके बाद हमें पावर पॉइंट टेम्पलेट को सेलेक्ट करना है और उस पर क्लिक करना है देन लास्ट स्टेप है क्लिक ऑन सेव बटन नाउ नीचे सेव बटन आ जाएगा इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा जो टेम्पलेट है वो सेव हो जाएगा सो so, इस तरह से आप सेव कर सकते हैं सो so, ये होता है टेम्पलेट को सेव करने का मेथड लेकिन इसे हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे वीडियो के लास्ट में हम इसे प्रैक्टिकली समझाएंगे जितना मैं आपको यहां पर समझा रही हूं ओके? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे जानते हैं अप्लाइंग स्लाइड ट्रांजिशन स्लाइड ट्रांजिशन को अप्लाई करना स्लाइड ट्रांजिशन इज द वे स्लाइड विल अराइव ऑन द स्क्रीन स्लाइड ट्रांजेक्शन एक वो तरीका है जिससे प्रत्येक स्लाइड स्क्रीन पर पहुंचेगी मीन स्लाइड ट्रांजेक्शन से प्रत्येक जो स्लाइड है वो स्क्रीन पर पहुंच जाएगी इट एड्स मूवमेंट टू योर स्लाइड एज यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर और जैसे ही आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में मूव करते हैं तो ये क्या करता है स्लाइड ट्रांजिशन? ये आपकी स्लाइड में मूवमेंट्स को एड करता है शन पर स्लाइड आप प्रत्येक स्लाइड में एक ट्रांजेक्शन को अप्लाई कर सकते हैं केवल एक ट्रांजेक्शन ही इसमें लगाया जा सकता है जो ट्रांजेक्शन एड करने के स्टेप्स है वो फिगर थ्री पॉइंट थ्री में दिखाए गए हैं तो इन्हें समझ लेते हैं फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द स्लाइड ऑन विच ट्रांजेक्शन इज टू बी अप्लाइड सबसे पहले हमें वो स्लाइड सेलेक्ट करनी होती है जिस पर हमें ट्रांजेक्शन को अप्लाइड करना है देन सेकेंड स्टेप है क्लिक ऑन द ट्रांजेक्शन टैब अब हमें ट्रांजेक्शन टैब पर क्लिक करना होता है देखिए यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन टैब है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए ये दिखाया गया है कि हमने फर्स्ट स्लाइड को सेलेक्ट किया देन ट्रांजेक्शन पर क्लिक किया जो ट्रांजेक्शन टैब है देन थर्ड स्टेप है सेलेक्ट अ ट्रांजेक्शन फ्रॉम द ट्रांजेक्शन टू दिस स्लाइड ग्रुप अब हमें ट्रांजेक्शन टू दिस स्लाइड ग्रुप होता है उस पर हमें जाना है जैसे ही हम ट्रांजेक्शन में जाएंगे तो ये ट्रांजेक्शन टू दिस स्लाइड ग्रुप आ जाएगा दिस इज ट्रांजेक्शन टू दिस स्लाइड ग्रुप तो इस पर हमें ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट करना है जो भी ट्रांजेक्शन हमें लेनी है जैसे कि यहाँ पर वाइब ट्रांजेक्शन ली गई है देन फोर्थ स्टेप पर क्लिक ऑन इफेक्ट ऑप्शन टू एड इफेक्ट टू सिलेक्ट ट्रांजेक्शन अब जब हमने ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट कर लिया है तो उसके बाद इसका एक इफेक्ट ऑप्शन होता है ट्रांजेक्शन uh, के डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं तो उसमें से जो भी इफेक्ट हमें चाहिए उस इफेक्ट को ऐड करने के लिए हम इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं देन नेक्स्ट स्टेप है एड साउंड टू द ट्रांजेक्शन बाय क्लिकिंग ऑन द साउंड ड्रॉप डाउन लिस्ट साउंड ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करके हम ट्रांजेक्शन में साउंड को भी ऐड कर सकते हैं सो साउंड को ऐड करने के लिए हमें

अब यदि हमें उस इफेक्ट जो हमने ट्रांजेक्शन पे इफेक्ट दिया है उसका प्रीव्यू देखना है वो कैसा लगेगा कैसे साउंड चलेगी किस तरह से इफेक्ट दिखेगा ट्रांजेक्शन का लुक क्या होगा तो वो सब देखने के लिए हमें यहाँ पर प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना होता है और यहाँ से हमारी साउंड भी चेक हो जाती है और इफेक्ट भी दिख जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं क्या कहा गया है द फॉलोइंग वेरी इज फीचर दैट यू कैन यूज फॉर एडिंग ट्रांजेक्शन टू स्लाइड्स स्लाइड में ट्रांजेक्शन को ऐड करने के लिए आप विभिन्न फीचर्स का यूज कर सकते हैं जो इस प्रकार हैं जिसमें सबसे पहले है ट्रांजेक्शन टू दिस स्लाइड ग्रुप जो भी हमने ऊपर देखा था क्लिक ऑन द मोर ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द ग्रुप टू फाइंड वेरियस ट्रांजेक्शन ऑप्शन विभिन्न ट्रांजेक्शन ऑप्शन को फाइंड करने के लिए आप मोर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कर सकते हैं देखिए क्लिक करते हैं तो वहां से बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं ये देखिए यहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन का टैब आ जाता है उसमें ट्रांजेक्शन टू दिस स्लाइड है और ये आ जाता है मोर ड्रॉप डाउन एरो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी लिस्ट आ जाएगी जितने भी ऑप्शन होते हैं सम ऑफ दीज आर फेट पुश वाइप ब्लाइंड एंड क्लोक उनमें से कुछ हैं जैसे फेट पुश वाइप ब्लाइंड देखिए यहाँ पर दिखाए गए हैं कट फेट पुश वाइप स्प्लिट रिवील तो ये सभी जो हैं ये ट्रांजेक्शन ऑप्शन आ जाते हैं एंड

जो ट्रांजेक्शन होती है उनका सेम इफेक्ट नहीं होता है अलग अलग ट्रांजेक्शन का अलग अलग इफेक्ट होता है फिगर थ्री पॉइंट फाइव शोज इफेक्ट ऑप्शन फॉर समिगर थ्री पॉइंट फाइव दिखाती है कि जो कुछ ट्रांजेक्शन है उनके लिए इफेक्ट ऑप्शन किस तरह से है? जैसे कि फेड है इसके अलग अलग इफेक्ट होते हैं जैसे स्मूथली एंड थ्रू ब्लैक एंड पुश ट्रांजेक्शन के डिफरेंट इफेक्ट्स हैं फ्रॉम बॉटम फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम राइट फ्रॉम टॉप एंड इसी तरह से वाइप के डिफरेंट आ जाते हैं ब्लाइंड के डिफरेंट आ जाते हैं क्लॉक के डिफरेंट आ जाते हैं तो सभी जो ट्रांजेक्शन

यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से आप विभिन्न ऑप्शंस को ये देखिए ये बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ जाते हैं वेरियस ऑप्शन हैं इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं आप दीज मे भी अप्लॉज बॉम कॉइन ड्रम रोल एंड सोन ये बहुत सारे नाम होते हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं इनके तो डिफरेंट डिफरेंट नेम है जैसे कॉइन ड्रम रोल अप्लॉज बॉम ये सभी आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं यू कैन ऑल्सो एड योर ओन साउंड फाइल बाय सेलेक्टिंग द अदर साउंड ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट आप अपनी खुद की भी साउंड को ऐड कर सकते हैं लेकिन उसे ऐड करने के लिए आपको लिस्ट से दूसरे साउंड ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है तो दूसरे साउंड ऑप्शन को सेलेक्ट करके भी आप अपनी जो साउंड है उसे ऐड कर सकते हैं यहाँ पर नाउ नेक्स्ट आ जाता है ड्यूरेशन You can increase or decrease the speed of your slide transition by entering time in the duration field on clicking on to increase or to decrease the duration of the transition. आप अपने स्लाइड ट्रांजिशन की स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं मीन्स बढ़ा भी सकते हैं स्पीड को यदि आप ट्रांजिशन को तेजी से चलाना चाहते हैं तो उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं यदि आप उसे धीरे धीरे चलाना चाहते हैं स्लोली चलाना चाहते हैं तो उसे डिक्रीज कर सकते हैं लेकिन उसके दो मेथड हैं दो तरीकों से आप ऐसा कर सकते हैं फर्स्ट है बाय एंटरिंग टाइम इन सेकेंड्स इन ड्यूरेशन फील्ड एक तो है कि ड्यूरेशन फील्ड में आप सेकेंड्स में टाइम को एंटर करके ऐसा कर सकते हैं या फिर दूसरा तरीका है क्लिकिंग ऑन टू इंक्रीज और टू डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन के ड्यूरेशन को डिक्रीज करने के लिए इनक्रीज करने के लिए आप टू टू और डिक्रीज पर क्लिक करके भी ऐसा कर सकते हैं देखिए यहाँ दिखाया गया है फिगर थ्री पॉइंट सिक्स बी में आप देखेंगे कि यहाँ से ड्यूरेशन को आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं ऊपर से इंक्रीज होगी और नीचे से डिक्रीज हो जाएगी मोर द ड्यूरेशन स्लोअर इज द ट्रांजेक्शन जितनी ज्यादा ड्यूरेशन होगी

फर्स्ट मेथड है कीबोर्ड से विंडो बटन प्रेस करेंगे जो कि मैं अभी प्रेस करती हूँ और ये यह देखिए यहाँ पर सर्च बॉक्स आ चुका है अब हम यहाँ पर पी ओ डब्ल्यू लिखेंगे तो यहाँ पावर पॉइंट टू आ जाएगा बता देना चाहती हूँ कि आपकी बुक में जो है वो पावर पॉइंट टू है लेकिन आप यहाँ पर 2016 पर वो सब कुछ सीखेंगे जो आपकी बुक में दिया गया है सो so, अभी हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा ये देखिए ओपन हो चुका है सेकंड मेथड है हम कट कर देते हैं और सेकंड मेथड है कि हम टास्क बार में में जाएंगे और टास्क बार जाने के बाद पावर पॉइंट का आइकन है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी डायरेक्टली पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा देखिए यहाँ पर ये इतनी सारी थीम्स दी गई हैं ये सभी थीम्स हैं पावर पॉइंट की और यहाँ पर हम कोई भी थीम सेलेक्ट कर लेते हैं अभी तो मैं यहाँ पर ये थीम सेलेक्ट कर लेती हूँ जिसका नाम है सर्किट और इस पर क्लिक करते हैं और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ कलर्स आ जाएंगे जो भी कलर हमें चूज करना है वो हम यहीं पर सेलेक्ट कर लेते हैं वैसे तो हम अंदर से भी चेंज कर सकते हैं जब हम अंदर पहुंच जाएंगे तो हम यहाँ पर ग्रीन कलर ले, ले लेते हैं क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं दिस इज क्रिएट बटन और जैसे ही हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो देखिये यहाँ पर पावर पॉइंट विंडो में आपका जो आपने सेलेक्ट किया है वो यहाँ टेम्पलेट आ जाएगा अब टेम्पलेट तो आ चुका है बट इसमें कुछ टाइप कर लेते हैं तो टाइप करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक टू एड टाइटल पर क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे वेलकम टू एंड यहां पर लिख देते हैं यह मैंने ये लिख दिया है और अब इसको इंक्रीज कर लेते हैं सेलेक्ट करेंगे फर्स्टली एंड बॉल्ड करेंगे एंड यहां से साइज इसका इंक्रीज कर देते हैं ये देखिए मैंने यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है ये साइज एंड इसका साइज भी इंक्रीज कर देते हैं बॉक्स का एंड यहाँ कलर सेलेक्ट कर लेते हैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेते है। मैं हैं मैं यहाँ पर ये कलर ले लेती हूँ एंड यहाँ वेलकम को भी सेलेक्ट करके यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं एंड इसको इंक्रीज कर देते हैं ये देखिए अब हमें इसमें ट्रांजेक्शन देना है ट्रांजेक्शन देने के लिए हमें जाना होगा ट्रांजेक्शन टैब पर तो ट्रांजेक्शन टैब आ जाता है आपका ये देखिए दिस इज ट्रांजेक्शन टैब सो so, यहां पर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही ट्रांजेक्शन टैब पर हम जाएंगे तो यहां पर ये सभी ट्रांजेक्शन टू दिस स्लाइड का ऑप्शन आ जाएगा अब इस ट्रांजेक्शन टू दिस स्लाइड के ड्रॉपडाउन लिस्ट को ओपन करने के लिए जो मोर ड्रॉप डाउन लिस्ट है तो उसके लिए हमें मोर ड्रॉपडाउन बटन पर क्लिक करना होगा दिस इज मॉर ड्रॉपडाउन बटन सो इस पर क्लिक करेंगे जैसे जैसी मॉड ड्रॉपडाउन एरो पर हम क्लिक करेंगे तो यहां बहुत सारे ट्रांजेक्शन आ जाएंगे अब कोई भी ट्रांजेक्शन हम इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें उस पर क्लिक करना होगा जैसे कि यदि मुझे यहाँ पर प्रेस्टीज नेम का ये जो हमारा transition इस पर select करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहां पर ये इस, इसका effect दिखाएगा किस तरह से होगा। अब यदि इसके तो क्यों क्योंकि ऑप्शन नहीं है अब हम कोई और लेते हैं जैसे फॉलोवर लेकर देखते हैं देखिए इस तरह से फॉलोवर का इफेक्ट होगा लेकिन यदि इफेक्ट को चेंज करना है तो हमें इफेक्ट ऑप्शन देखिए यहां पर एनेबल हो चुका है सो so, यहां पर हम इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और यहां देखिए लेफ्ट एंड राइट है तो अभी हम राइट right लेते हैं लेफ्ट तो हुआ था एंड राइट right में कुछ इस तरह से होगा एंड लेफ्ट में कुछ इस तरह से होगा तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं लेकिन अभी हम इसमें कुछ और ऑप्शंस भी देख लेते हैं जैसे कि यदि हम लेते हैं इसमें फेड सो फेड के इफेक्ट ऑप्शन क्या क्या होंगे स्मूथली एंड थ्रू ब्लैक सो हम थ्रू ब्लैक लेते हैं कुछ इस तरह से आ जाएगा एंड स्मूथली में थोड़ा स्मूथली आ जाएगा एंड यदि हम पुश लेते हैं तो पुश में यहाँ पर फ्रॉम बॉटम फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम राइट एंड फ्रॉम टॉप यदि हम फ्रॉम टॉप लेते हैं तो ये ऊपर की साइड से आएगा और यदि फ्रॉम डाउन बॉटम लेते हैं तो देखिए ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा सो so, इस तरह से हम इस पर इफेक्ट डाल सकते हैं अब हमने इफेक्ट डालना भी सीख लिया है ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड भी लगाना सीख लिया है अप्लाई करना सीख लिया है अब हम जानते हैं कि साउंडस को कैसे अप्लाई करना है सो so, साउंडस का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो यह यहाँ बहुत सारे यहां पर साउंड के ऑप्शन आ जाएंगे इसमें से हम कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर कॉइन का ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ एंड इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा अभी हम साउंड सुनेंगे इसकी जब हम प्रीव्यू देखेंगे एंड ड्यूरेशन को हम ट्रांजेक्शन का जो ड्यूरेशन है जैसे कि यदि हम इसका ड्यूरेशन देखें तो बहुत जल्दी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो हम इसे स्लो करना चाहते हैं तो हमें उतना ही ड्यूरेशन बढ़ाना होगा सो so, हम यहाँ पर इसका ड्यूरेशन इस पर अप बटन पर क्लिक करेंगे और इसे बढ़ाएंगे यदि हम डाउन करेंगे तो ये कम हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा और यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा तो मैं यहाँ से इंक्रीज कर देती हूँ ये देखिए मैंने इतना इंक्रीज कर दिया है अब हम इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू देखने के लिए हमें यहाँ पर प्रीव्यू ऑप्शन भी दिया गया है इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए आपको साउंड भी आई होगी और देखिए कितना स्लो हो गया है ये क्योंकि जितना ड्यूरेशन हम देंगे उतना ही स्लो ये चलेगा आप एक बार और साउंड सुन सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर साउंड चेंज कर देती हूँ या मैं बॉम्ब की साउंड लगा देती हूँ एंड देन प्रिव्यू ये देखिए और यदि हम कोई और साउंड लगाते हैं कैमरा देखिए इस तरह से कोई भी साउंड हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं और यहाँ से ट्रांजेशन को चेंज करके उन पर इफेक्ट भी डाल सकते हैं आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा इफ यू कैन कमेंट भी इन द कमेंट बॉक्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं तब तक के लिए बाय